हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल में मैं स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। आइए महाराज, मेरे गोदी में लेटे हुए हैं, सो के उठाए अभी तो गोद में लेटा हुआ है। और आप लोग सब कैसे हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। कल मैं कमेंट का वीडियो नहीं ला पाई थी क्योंकि कुछ काम था, संडे का दिन था, और आज मैं लेके आई हूँ कमेंट का वीडियो। तो कल जो वीडियो एक आया था उसके कमेंट पहले पढ़ूंगी, और परसों जो वीडियो आए थे दो ठो उसके कमेंट में उसके बाद पढ़ूंगी, मगर मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। और पहले कमेंट्स ही मैंने पढ़े थे, तो थैंक यू सो मच मुझे कमेंट करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब मैं जा रही हूँ कल के वीडियो के कमेंट्स पढ़ने, जिसमें समर अपना अच्छा से बखूबी काम निभा रहा है और यहाँ पर गुनगुन को अच्छे से भड़काने का काम एक्सपर्ट की तरह कर रहा है। सबसे पहले सिद्धि सिद्धि जी ने लिखा है, समर और गुनगुन दोनों चाहते हैं कि एक साथ रहे। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, एक साथ रहने की दिली तमन्ना समर की तो आगे ही है। मिष्टी जी ने लिखा है, समर की बात में आकर गुनगुन ध्रुव को फंसा रही है, समर से लाख गुना अच्छा है ध्रुव, बेचारा ध्रुव हर समय गुनगुन के सपोर्ट में रहता है, अब समर चाहता है गुनगुन के साथ रहे। एकदम इसे, जब वो चाह गुनगुन उसके साथ रहे, जब वो चाह गुनगुन ध्रुव के साथ रहे, बस यही हो रहा है और क्या। थैंक यू सो मच आप लोगों को, आपने मुझे मैसेज किए मिष्टी जी और सिद्धि रिद्धि जी। उसके बाद नंदिनी जी ने मुझे हार्ट भेजा, थैंक यू सो मच डॉक्टर नंदिनी। जोस्फिन जी ने लिखा है, येस फ्रंट ऑफ समर शी इज चेंजिंग हर वर्ड्स व्हेन ध्रुव इज नॉट प्रेजेंट, एग्जैक्टली। देन यू सेड समर एंड गुनगुन बोथ आर डूइंग डबल क्रॉसिंग, एग्जैक्टली। थैंक यू जोस्फिन जी फॉर मैसेजिंग मी। रत्ना मास सुबे गोरा जी ने लिखा है, मैडम यू आर राइट टॉकिंग वेरी गुड, समर मेक ड्रामा, एग्जैक्टली, समर इज मेकिंग ड्रामा। थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग मी। हेमा जी ने लिखा है, दीदी इट सीम्स समर डजंट वांट गुनगुन टू लिव विद ध्रुव, और समर वांट्स गुनगुन टू लिव विद हिम, समर इज सेल्फिश एंड गुनगुन इज ऑल्सो रॉन्ग। गुनगुन एग्जैक्टली, गुनगुन इज वेरी रॉन्ग, एंड गुनगुन जो ये कर रही है सही नहीं कर रही है। कम से कम समर के बहकावे में आकर उसको ध्रुव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू हेमा जी एंड हाउ आर यू। उसके बाद रेणु जी ने लिखा है, राइट आपने बिल्कुल सही बोला है सिस्टर, समर पागल ड्रामा पाजी बेशरम है, एग्जैक्टली। जोस्विन जी ने फिर लिखा है, आई टोल्ड यू सिस्टर ही वॉन्ट गुनगुन टू लीव ध्रुव, करेक्ट सिस्टर, येस एग्जैक्टली, ही वॉन्ट्स गुनगुन टू लीव ध्रुव। थैंक यू रेणु जी एंड थैंक यू जोस्विन जी फॉर मैसेजिंग मी। मीरा जी ने लिखा है, समर बहुत शातिर आदमी है, वो गुनगुन को भी रखना चाहता है, समर की माँ एक ही है, मुझे तो दुख है राधिका बीच में फंस गई, समर के रूप ऐसा है। राधिका तो फंसी गई है, राधिका को तो कुछ पता नहीं है, पता होगा तो सब समझ में आएगा। थैंक यू मीरा जी, आपने मुझे मैसेज किया। उसके बाद जोस्विन जी ने फिर लिखा है, दे वोंट चेंज, एग्जैक्टली, दे वोंट चेंज। शाहिद भाईजान ने लिखा है, सिस्टर आपने सही बोला 100%, थैंक यू शाहिद भाईजान। उसके बाद मंगीलाल जी ने लिखा है, गुनगुन और समर दोनों ही बेशरम हैं, इन दोनों को कोई शर्म भी नहीं आती है, एग्जैक्टली, इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। थैंक यू आपने मुझे मैसेज किया है। फ्रेश ड्रूल्स जी आईडी से किया है, बेटा आई अग्री विथ यू, थैंक यू सो मच। फिर जोस्विन जी लिखा है, समर क्रोकोडाइल टीयर्स, एग्जैक्टली, समर इज एक्टिंग लाइक अ वेरी क्लेवर पर्सन। उसके बाद मैं देख लेती हूँ किसी का अगर मैसेज हो। आरसी मीसो जी का है, हम तो बोलते हैं राधिका और उसकी मम्मी को समर को छोड़ दो, राधिका के लिए दूसरा लड़का देखते, आराम से शादी करवाए, क्योंकि समर और उसकी माँ की हरकत ठीक नहीं है, ये समर गिरा हुआ इंसान है, सुधरने वाला नहीं, लड़का नहीं है, राधिका समर को छोड़ना चाहिए, एग्जैक्टली, ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच आपने मुझे मैसेज किया। एन ग्रोनी जी ने लिखा है, ध्रुव उसकी माँ को जेल भेजकर गुनगुन के साथ रहने लगेगा, राधिका को तलाक देने की धमकी दे रहा है बेशरम। वो तो यही कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर बाकीदा शर्मा छाबा जी ने लिखा है, अरे दीदी ये सीरियल है, हकीकत नहीं है, अब देखो राधिका का पापा दूसरी बीवी के साथ मज़ा कर रहा है। हाँ, ये हकीकत नहीं है, मगर ये लोग जो दिखाते हैं ना, इनके हिसाब से इनको एक्चुअल में थोड़ा ढंग का चीज़ दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर हो, नहीं किसी का नहीं है। अब मैं अपने परसों के दो वीडियोस के मैसेजेस पढ़ लूँ, जिसमें ध्रुव के संग आके समर हाथापाई कर रहा था। सबसे पहले मैं
एच वालस जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा ये बात बिल्कुल सही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। रेनू गुरंग जी ने लिखा है सिस्टर आपने बिल्कुल सही बोला है, बेशरम है समर। थैंक यू सो मच रेनू जी। आप लोग को मैं कमेंट भी किया था और मैंने सबको लाइक भी किया था जिनके मैसेज मैंने पढ़ा था। जोसफिन जी ने लिखा है करेक्ट यू सिस्टर डिड नॉट एक्सेप्ट द चाइल्ड बोथ डूइंग ड्रामा 8 month बेबी हाउ इट कम आउट विद ऑपरेशन इवन अम 9 month baby operation is done and the lady can't talk till 1 week because of stitches. Gungun is fit, fat and fine. Styling started what morning, mourning for her. All in act poor Dhruv stood fought for her and she is acting so ungrateful. Exactly, she is very ungrateful. Uske baad main dekh leti hoon. बलराम जी ने लिखा है, बलराम मंडल जी ने, अरे आंटी जी आप तो बरसाती मेंढक की तरह हो, जब इतने दिनों से सीन चल रहा था पंडित का, फिर ध्रुव की मम्मी ने गुनगुन के साथ अत्याचार कर रही थी, फिर उसकी बच्ची को मार दी, तब कहाँ थी, तब क्यों नहीं कुछ बोला आप, अब मुंह उठा के आ गई बोलने। नहीं नहीं मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, आप शायद अपने आँखों को खोल के नहीं देख रहे हैं। आप अगर अपने आँखों को खोल के देखेंगे तो मैं आप मेरी ये शक्ल जो है ना आपको रोज़ YouTube में नज़र आएगी, क्योंकि मैं रोज़ आती हूँ YouTube में। कम से कम मेरे 2 या 3 समर के जितने वीडियोस आते हैं ना उस हिसाब से मेरे वीडियोज़ भी रोज़ आ ही जाते हैं, तो मेरी ये फालतू सी शक्ल ना आपको रोज़ दिख जाएगी। इसलिए आप भी प्लीज़ आँखों को खोल के देखा कीजिए, तब आपको दिखाई देगा कि मैं मेंढक की तरह नहीं हूँ बल्कि मैं रोज़ छछुंदर की तरह आती हूँ। उसके बाद मैं देख लेती हूँ नहीं और किसी का मैसेजेस नहीं है। मैं अपने और एक वीडियो आया था उसमें एक बार देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर हो। इसके मैसेजेस मैंने सबके चेक किए थे, हाँ मैंने इसके सारे मैसेज चेक किए थे। इसमें मैंने ताशी जी मुझे मैसेज की थी, जोसविन जी, रीमा जी, रेणु गुरंग जी, गीता जी, नंदिनी जी, सबका मैसेज मैंने चेक किया था, सबको मैंने रिप्लाई भी दिया था बस। और परसों के मेरे जो कमेंट के वीडियो आए थे उसमें भी मैंने ताशी जी, अनिरुद्ध भैया को, रेणु गुरंग जी को और इन लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया था। तो मेरे पास और कोई मैसेजेस नहीं है, बस इतने ही मैसेजेस थे। आई होप आप लोग मुझे ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहोगे और मेरे इस कमेंट के वीडियो को ज़रूर सुनोगे। तब तक के लिए मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। इसको हटा के बाय बाय करते हैं, तुम तो नमस्ते तक नहीं बोले, नमस्ते कर दो। नमस्ते। आज से ही महाराज जाएंगे स्कूल, अब एकदम ये ठीक हो गया फिट एंड फाइन, तो आज से ये जाएगा स्कूल और फिर से करेगा पढ़ाई, है ना युवान? पढ़ाई करोगे तो नहीं, पढ़ाई के नाम में नहीं, पढ़ाई नहीं करना है, खिला दो, जितना खेल सकता है खेलेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। चलिए अब इनके पीछे मैं बिजी हो जाती हूँ और आप लोगों से लेती हूँ अलविदा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।